तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड कैफे में, और मैं आज आपको वांडा विजन सीजन 1 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने जा रहा हूँ। अभी तक इस टीवी शो के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं, और मैं उनका आपके साथ क्विक रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ये कैसा लगा ये शो, और ये आपको देखना चाहिए या नहीं, ये मार्वल की तरफ से कैसा शो है। तो मैं बताऊँगा, ये एक देखने लायक शो है, मतलब अच्छा शो है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक कॉमेडी टाइप शो है, आपको ये ट्रेलर देख के पता चल गया होगा। इसके पहले 2 एपिसोड्स ना ब्लैक एंड वाइट में हैं जो मैंने अभी तक देखे हैं। इसके एंडिंग में कलर आ जाते हैं सेकंड एपिसोड में, पर ये एक स्पॉइलर फ्री भी है तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो ये मैं बताऊँगा कि मुझे कैसे लगे। मुझे पहला एपिसोड अच्छा लगा, दूसरा भी एपिसोड अच्छा लगा। जो फर्स्ट एपिसोड है ना, उसकी लेंथ है करीब 26 मिनट, और जो दूसरा एपिसोड है वो 33 मिनट्स का है। और मतलब ये आपको डिजनी प्लस पर अवेलेबल मिल जाएंगे अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, और जिन लोगों ने पायरेटेड डाउनलोड कर लिया है वो तो उनके तो क्या कहने हैं। ये करीब शायद 2 बजे अपलोड करा था उन्होंने डिजनी प्लस हॉटस्टार पर, इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बजे आया था, और उसी वक्त तो मैंने इसे देख नहीं पाया था। मैंने इसे अभी देख कर कम्प्लीट कराया, मैं करीब 4 बजे बैठा था ये देखने, और ये दोनों एपिसोड जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे ये 2 एपिसोड्स। वैसे इन्होंने 3 एपिसोड डालने का वादा करा था, इन्होंने 2 एपिसोड दिए, ये गलत बात है। अभी तो 2 ही एपिसोड चले हैं मेरे, और ये इंग्लिश में है, सबटाइटल है, आपको मिलेंगे सबटाइटल, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। और मैं ये इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये मूवी क्यों नहीं, ये टीवी शो क्यों नहीं डब हुआ। तो आपको ये शो बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के फ़ैन हैं तो आपको ये बिल्कुल ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये उससे बिल्कुल कनेक्टेड है। इसमें आपको थोड़े बहुत उसके एमसीयू के थोड़े बहुत भी बताए जाएंगे, और स्पॉइलर नहीं दूंगा बिल्कुल भी। और ये शायद पुराने टाइम में सेट है, करीब 1940s में सेट है ये बिल्कुल, इसलिए वो आपको ऐसा लगेगा। इसके ऐसे एक्सपेक्ट रेशियो भी अलग है बिल्कुल, मतलब तो जैसे नॉर्मल से अलग है इसकी, शायद पुराने ज़माने की टीवियों की नहीं होती थी वैसे इसके एस्पेक्ट रेशियो। तो ये आप, ये है मेरा इसके लिए क्विक रिव्यू, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ये अच्छा शो है, ये आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा, और एक ये फैमिली भी फैमिली फ्रेंडली शो है, जैसा डिज्नी बनाता है वैसा शो है ये, बहुत अच्छा। तो ये था मेरा इसका क्विक रिव्यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।